जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ओला के डार्क ट्रुथ के बारे में, यानी काला सच। आज हम सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लोला यानी ओला का सारा सच आज आपको बता देने वाले हैं। आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, केसेस क्या हमें देखने को मिल रहे हैं, इस समय बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, गवर्नमेंट को एक्शन क्या लेना चाहिए, इसमें कौन सी नई चीज ऐड करना चाहिए, सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कंक्लूजन क्या भैया हमें लेना चाहिए कि वेट करना चाहिए कि नया ब्रांड देखना चाहिए, क्या कैसा है, सब कुछ इसी वीडियो में है भैया। तो देख क्या रहे हो यार, ठोको लाइक, दबा दबा के लाइक के बटन तोड़ दो यार। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, ओला S1 Pro Gen 2 मॉडल। हालांकि मैं इनके प्रो मॉडल से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन सारे केसेस लगभग सिमिलर अप्लाई होते हैं इनके अदर वेरिएंट्स में। देखो यार, ओला S1 Pro में क्या दिया जाता है, लगभग आपको कंपनी क्लेम करती है 90 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज देखने को मिलेगी, लेकिन ये ट्रुथ नहीं है भैया। आपके पास अगर ओला हो भैया, जिसके पास भी ओला गाड़ी होना है, सच सच बताना क्या एग्जैक्ट रेंज आपको कभी मिली? मुझे तो नहीं मिली, मेरे पास भी ओला है, आप देख सकते हो वीडियो में, लेकिन मुझे हमेशा मिलती है 25, 31, 35 तक मिलती है। मैं नॉर्मल मोड में क्रूज कंट्रोल के साथ यूज करूं, थोड़ा रेंज मुझे ज्यादा मिलता है, बाकी एक्चुअल मेरा 150 का भी टच नहीं हुआ भाई। आप लोगों का हुआ हो तो बताना, आप बहुत ही बेसिक ना चलाना यार, थोड़ा जैसे नॉर्मल गाड़ी चलाते उस हिसाब से बताना आप लोग। तो देखो, जहां तक है कंपनी का रियल वर्ल्ड रेंज क्लेम करते उतना मिल भी नहीं पा रहा है, कुछ ओवर हाइप चीजें भी हैं, वो कुछ ना क्रिटिकल सिचुएशन वगैरह मिलता है, कंपनी जब टेस्ट वगैरह करती है उस हिसाब से मिलता है भैया। नेक्स्ट अगर इसके बात करें बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी यार ठीक ठाक ही मिलेगी, क्योंकि इस प्राइस रेंज में और अदर ब्रांड्स आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर एक अच्छा रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो ओला वालों के साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो चाहे जो भी हो। बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, जो एक्स्ट्रा फीचर्स में देखने को मिलते हैं, आपको म्यूजिक वगैरह मिल गया, बहुत सारे 3-13 चीजें मिलती हैं, तो इन्हीं सब फीचर को यूएसपी बना रही है कंपनी, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट बना रही है, और इसी को दिखाकर लोगों को बेचा जा रहा है, और लोग भी बड़ा खुशी खुशी ले लेते हैं, क्योंकि गाड़ी पूरी सॉफ्टवेयर बेस है, और अभी मेरे को लगता है इंडिया उसके साथ प्रिपेयर नहीं है इस तरीके के व्हीकल के लिए, पूरा 100% भैया सॉफ्टवेयर बेस्ड चीजें चले, तो कहीं ना कहीं इसी कारण से दिक्कतें वगैरह हमें देखने को मिल रही हैं यार। आप कितने दिन गाना सुनोगे यार, रोज रोज नहीं सुनते हो, रोज मैप नहीं लगाते हो, सिटी में चलाते हो, कितने दिन मैप यूज करने वालों, और कौन सी इनकी गाड़ी 500 किलोमीटर रेंज देती है जो इंटरसिटी आप या कहीं दूर जाने का ट्रिप वगैरह प्लान करोगे, लेकिन ले भी तो काम वगैरह आता है, लेकिन इतना भी यूजफुल मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तक IC इंजन में भी आप लोग काम चला रहे थे और चल भी रहा है अभी तक। बात करते हैं कि जो केसेस देखने को मिलते हैं दोस्तों, फायर इंसिडेंट हो गया, जो सस्पेंशन ब्रेक वगैरह होता है, अभी रियर सस्पेंशन का ब्रेक होता है, बॉडी पार्ट्स कहीं कहीं से टूट रहे हैं यार, इतनी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। हाँ दोस्तों, मैं उस केस के बारे में बता दूं जो कर्नाटक के अंदर भी फायर इंसिडेंट हुआ था, जिनकी गाड़ी जल गई थी, उसके साथ 2-3 गाड़ी और जल गई थी। ये कर्नाटक में ओला कंपनी वाली टीम गई थी और वहां बताया गया कि हाँ बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ रहा, जिस कारण से आग वगैरह लग गई, उनको कंपनसेशन वगैरह दिया जाएगा। ये कर्नाटक के एक लोकल न्यूज चैनल मुझे मिला है, जो भी इंसिडेंट है आप लोग देख लेना, थोड़ा बहुत सर्च वगैरह कर लेना, हालांकि मुझे यही मिला है। तो जो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही ना, ऐसा ज्यादातर इन्हीं की गाड़ी मिल रहा है, ओला वाले इतने ओवर हाइप चीजें हैं, इतना बॉडी पार्ट वगैरह कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है, गाड़ी को हल्का कर रहे हैं ये लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस कारण से कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। आपको एक्सेलरेशन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम देखिए, कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती ही रहती हैं। अब बात करें थर्ड पॉइंट की दोस्तों, वो है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए। अभी तक तो चलो सस्पेंशन ब्रेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उतना लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो हमें कर्नाटक के अंदर भी ब्लास्ट देखने को मिला है, ये घर के अंदर, घर की हालत आप लोगों ने गौर से देखी होगी तो पूरा काला पड़ गया भैया। अब सोचो कोई पास में अगर कहीं आसपास ओला रखी हो, कहीं गैस एजेंसी वगैरह हो भैया, ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल है भैया, कहीं ना कहीं आप लोगों की जिंदगी खतरे में आ रही है, तो इन सब चीजों में मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब जाके लोगों की लाइफ पे इंपैक्ट पड़ रहा है इस चीजों का, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो एक बार कमेंट में तो बताना ही, आपकी भी थिंकिंग मैटर करती है, एक एक लोगों का भी कमेंट करना दोस्तों, कहीं चल के आगे कुछ बड़ा काम करता है, तो कमेंट करना आप लोग मत भूले दोस्तों। सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम, ओला एक पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड व्हीकल है, अभी नई नई मार्केट में आई है, तो कंपनी ने इतने सर्विस सेंटर खोल नहीं पा रही जितनी ज्यादा इनकी गाड़ी बिक रही है। कंपनी का ध्यान ही गाड़ी की सेल्स पे है, ना कि सर्विस पे है। एक बार जब आपको स्टेटमेंट वगैरह देखने को मिलते हैं, बस यही मिलते हैं, अरे तुम एक सर्विस सेंटर नहीं 50 खोलो, लेकिन जब काम करें वो लोग तब ना यार। बहुत से लोग स्ट्राइक वगैरह करते रहते हैं इनके सर्विस सेंटर वगैरह पे, गाड़ी मिल नहीं रही, लोग परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको मुझे लगता है और इंप्रूव करे ओला कंपनी यार, करो यार, तुम्हारी गाड़ी पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, और आप ऐसे हरकतें करोगे तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आप अपने आप अपने कस्टमर्स को परेशान करोगे, तो इन फ्यूचर आप भी परेशान हो जाओगे। बात करते हैं इनको थर्ड पार्टी क्यों यूज नहीं करते, किसी थर्ड पार्टी को दे सर्विस सेंटर वगैरह। आप कई बार गए होगे अपनी ओला लेके, आपको ये देखने को मिला होगा हर बार वो QR कोड स्कैन वगैरह करता है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डालता है, यानी इनकी गाड़ी पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, अगर बाहर के पर्सन यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक होने के चांसेस हैं, यानी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी कंपनी के अंदर, क्योंकि चलो IC इंजन में नट खोले बोल्ट दूसरा कस दिए, इसमें यार सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा ग्लिच हो रहा है, सॉफ्टवेयर बार कोड स्कैन वगैरह, हर लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, इसीलिए कंपनी क्या करती है अथॉराइज्ड खुद ही से अपने सारे सर्विस सेंटर वगैरह खोलती है, जो कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है भैया, उनको प्रॉपर सर्विस सेंटर वगैरह नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे सर्विस सेंटर्स का क्या ही मतलब, आपको और इंप्रूवमेंट वगैरह करनी चाहिए और प्रॉपर उनका इंस्पेक्शन वगैरह करो, किस
किस सर्विस सेंटर में कितनी गाड़ियां पड़ी हैं, कितनी बन रही हैं, बन भी रही कि नहीं बन रही, लोग मजे उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको ये विजिट वगैरह करना चाहिए। तो दोस्तों एक ऐसी चीज जो मैं चाहता हूँ कंपनीज को ऐड करे, ओला कंपनी फायर अलार्म सिस्टम वगैरह, जब भी कभी गाड़ी में आग लगती है, बैटरी अलार्म लगती है, कम से कम लोग प्रिवेंटिव हो जाए, कम से कम लोगों को पता चल जाए हाँ भैया फायर अलार्म बज गया है, गाड़ी फटने उठने वाली, थोड़ा दूर हट जाए, आदमी की जिंदगी बच सकती है। ये बहुत बेसिक सी चीज है, उनके पास स्पीकर वगैरह ऑलरेडी है, वो कर सकते हैं, ये चीज मेरे हिसाब से उसको ऐड करना चाहिए, तो आग उग लगने से लोगों की जिंदगी तो बची सकती है। बाकी अगर बात करते हैं कंक्लूजन की, तो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं कहूंगा गाड़ी इस प्राइस रेंज में आ रही है ना, इस प्राइस रेंज में कोई दे नहीं पाएगा इस फीचर्स वगैरह के साथ, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, तो रिस्क ले लो। मैं तो कहूंगा भी थोड़ी देर वेट करो, अगले स्लॉट की गाड़ी वगैरह आ जाएंगी, थोड़ा अच्छे से प्रॉपर वगैरह आ जाएं, तो फिर आप उनकी गाड़ी ले सकते हो। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा अदर ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ जाओ, हीरो हो गया, टीवीएस हो गया, इन सब की तरफ आप जाओ ना, और वीडा वगैरह में इतने अच्छे अच्छे ऑफर मिल रहे हैं यार, ले लो यार, अच्छी गाड़ियां वो भी रियल वर्ल्ड, हालांकि वो लोग जो बोलते हैं वही रेंज भी मिलती है, इसमें ओवर हाइट चीज इतनी मिलती नहीं है, बस 10-15 किलोमीटर का एक्स्ट्रा मिलता है, तो यार थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज बनता है। और मैं तो यही आखिर सजेशन दूंगा, थोड़ी देर वेट करिए, वॉच करिए, और फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर आपको यार जरा सा भी 1% वीडियो अच्छा लगा ना यार, यहाँ तक आ गए हो, एक लाइक तो बनता है, ठोको यार, जय हिंद।